दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया नॉक एट द केबिन जो हाल में रिलीज, जिसके डायरेक्टर एम नाइट का उस तबाही के साथ जो कभी पहले की तरह नहीं हो सकती। वो 700 प्लेन्स का एक साथ गिरना, इतना कुछ होना, ये नॉर्मल बात नहीं थी। यानी कि लाइफ यहाँ पर ऑलरेडी काफी खराब हो चुकी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, एरिक ने खुद को सैक्रिफाइस इसलिए किया, जब रेडमंड यहाँ पर मारा गया था तो व्हाइट लाइट उसको दिखाई दी थी, तो उस वक्त उसने एंड्रियो और वैन को देखा था और वैन उस वक्त काफी बड़ी हो चुकी थी। यानी कि वो जान चुका था कि उसको सैक्रिफाइस देना होगा और एंड्रियो और वैन बच जाएंगे। खैर अब एंड्रियो वैन के साथ बिना एरिक के ही एक नई जिंदगी गुजारने के लिए चल देता है और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।